हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से एक मल्टीप्लेक्सर पे क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कोई हमें फंक्शन दिया होगा ABCD के फॉर्म में, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और एक मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल हो जाएगा हमारे पास। ट्रू टेबल में हमें क्या करना है, पूरे जीरो से लेके 15 तक, मतलब कि यहाँ मिनिमम टर्म है अपना जीरो, मतलब सबसे छोटा टर्म है जीरो, सबसे बड़ा है 15। तो जीरो से लेके 15 तक का ट्रू टेबल ड्रॉ कर लेंगे ABCD के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखता हूं मेन टर्म, एक कॉलम बनाता हूं, फिर ABCD की वैल्यू एंड फंक्शन। ठीक है, यहां पे हम लोग मीन टर्म लिखे हैं क्योंकि यहां समेशन दिया हुआ है। समेशन दिया हुआ है तो मीन टर्म लिखेंगे, अगर पाई दिया होता है तो मैक्स टर्म लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो के लिए अपना ट्रू टेबल हो जाएगा 0000। यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ 8421 फॉलो करना है। तो जीरो जो है किसका किसका एडिशन है, किसी का भी एडिशन नहीं है तो सबके जगह जीरो, एंड वन रखेंगे जब, तो वन किसका, मतलब वन के प्लेस पे ही वन रखेंगे, बाकी सब के जगह जीरो। जब टू रखेंगे, टू के लिए लिखेंगे तो टू के लिए ही वन, बाकी सब जगह जीरो। ठीक है, थ्री के लिए लिखेंगे तो थ्री किसका किसका सम है, टू और वन का, तो टू और वन के प्लेस पे वन लिखेंगे, बाकी जगह जीरो जीरो। और फोर जो है, फोर जो सम केवल फोर का, इसलिए जीरो, यहाँ पे वन फोर के प्लेस पे, बाकी जगह फिर जीरो। फाइव के लिए लिखेंगे तो फाइव के लिए फोर और वन का समेशन होता है, मतलब एडिशन होता है फाइव, तो फोर और वन पे वन लिखेंगे, बाकी जगह जीरो। ऐसा करते हुए पूरा 15 तक लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 15 तक का पूरा ट्रू टेबल लिख लिया है। अब इसके बाद देखेंगे फंक्शन जो है वो किसका किसका है। ठीक है, तो पहले फंक्शन में देखेंगे तो सबसे पहला टर्म है जीरो, जीरो का फंक्शन है, मतलब जीरो, जीरो के प्लेस पे लिखेंगे वन। ठीक है, वन भी है यहाँ पे तो वन में भी वन लिखेंगे, टू नहीं है, टू नहीं है तो जीरो लिखेंगे वहां पे, वैसे थ्री है तो थ्री पे वन, फोर पे फोर है तो फोर पे भी वन। ठीक है, फाइव नहीं है तो जीरो, सिक्स नहीं है जीरो, सेवन नहीं है जीरो, एट पे एट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यहाँ वन। ठीक है, नाइन में भी वन लिखेंगे और जीरो 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 जीरो, और फिफ्टीन दिया हुआ है इसलिए फिफ्टीन पे भी वन। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप अपना खत्म होता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें एक इम्प्लीमेंटेशन टेबल ड्रॉ करना है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल, इम्प्लीमेंटेशन टेबल किस तरह का होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां लिखेंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, यहां लिखेंगे एक कॉम्प्लीमेंट एंड ए, यहां एक लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां इसलिए लिखे हैं, यहां 15 है, मतलब 15 टर्म लिए हैं अपन, जीरो से लेके 15 तक का अपना जो टर्म है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए उसका आधा कर देंगे, मतलब 15 का 15, जीरो से 15 मतलब 16 हो गया है ना, 16 का आधा हुआ 8, तो I0 से लेकर ना I7 तक के 8 हो गए। ठीक है, मतलब इनपुट ये I जो है वो इनपुट है। ठीक है, अब क्या करना है, जीरो यहाँ अपन एक एक डिजिट दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब फिर से टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, टेबल पे हमें जीरो पे क्या मिला है, वन, मतलब इनपुट मिला है जीरो पे। ठीक है, तो जीरो को मैं सर्कल कर देता हूं,
वन पे भी मिला है इनपुट, वन को भी सर्कल दे दिया मैं, ठीक है। टू पे नहीं मिला है तो छोड़ दीजिए, तीन पे मिला है तो तीन पे भी सर्कल, चार पे भी मिला है तो चार पे भी, ठीक है। पांच पे नहीं मिला, छह पे नहीं मिला, सात पे नहीं मिला, आठ पे मिला है तो आठ पे भी सर्कल, नौ पे भी मिला है वहां पे भी सर्कल, ठीक है। देन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन में मिला है, फिफ्टीन में सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के हिसाब से हमें क्या करना है कि जो इनपुट की वैल्यू है उसको हम बता पाएंगे। तो जहां जहां ध्यान देंगे, जहां जहां डबल सर्कल है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में भी सर्कल है, ए में भी सर्कल है, तो वहां लिखेंगे वन, ठीक है। यहां भी दोनों जगह सर्कल है इसलिए यहां लिखेंगे वन। ये हमारा इनपुट है, ये वाला जो लाइन है वो इनपुट है कि कौन सा इनपुट देना है तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे किसी पे भी सर्कल नहीं है, मतलब जीरो। अब यहां पे ध्यान देंगे, ऊपर वाले पे सर्कल है, नीचे वाले पे नहीं है, तो ऊपर वाला अपना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट देंगे। यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट देंगे, यहां दोनों में नहीं है इसलिए जीरो, यहां दोनों में नहीं है इसलिए जीरो, और यहां नीचे वाले में है, नीचे वाले मतलब ए वाली लाइन पे है सर्कल, तो यहां लिखेंगे ए, ठीक है। ये हमारा ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट लाइन है, ये हमारा होगा इनपुट मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो अब मल्टीप्लेक्सर हमें ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रिक है कि मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि मल्टीपल इनपुट देना है और सिंगल आउटपुट देना है, तो मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट जो है वो केवल एक ही होगा, है ना। और इनपुट कितना होगा इसको जब हमें पता करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है, टू टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो टू टू पावर एन यहाँ पे है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसके वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो चार वेरिएबल्स है, तो टू टू पावर फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू टू पावर थ्री, डैट मीन्स एट, एट इनपुट लाइंस, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करते हैं, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हमें देना है आठ इनपुट, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स एंड आई सेवन, एट इनपुट हो गए, ठीक है। और ये तो किसका इनपुट हुआ, ए का इनपुट हुआ, ठीक है। और बी सी और डी के लिए भी एक एक इनपुट देंगे, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं एस जीरो, एस वन एंड एस टू से, और आउटपुट जो होगा वो अपना एक ही लाइन को होगा, मतलब मल्टीप्लेक्सर है इसलिए एक ही लाइन होगा आउटपुट में, है ना। ये होगा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया एट क्रॉस वन का, मतलब एट एट इनपुट एंड वन आउटपुट, ठीक है। एट क्रॉस वन का मल्टीप्लेक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इससे देखेंगे, ठीक है। आई जीरो पे हम लोग क्या दे रहे हैं, वन दे रहे हैं, और आई वन पे भी वन दे रहे हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूं जिसमें मैं दूंगा वन इनपुट, और ये दोनों के लिए होगा, आई जीरो एंड आई वन के लिए, ठीक है। अब आई टू पे जीरो दे रहे हैं, आई फाइव पे और आई सिक्स पे, ठीक है। तो आई टू पे मैं जीरो दे देता हूं ऐसा, और आई फाइव और आई सिक्स पे, है ना। तो आई फाइव पे एक दे दिया और इसी को दे दिया आई सिक्स पे, तो ये यहां से जीरो जीरो दोनों को मिल गया, ठीक है। अब आई थ्री एंड आई फोर पे ए कॉम्प्लीमेंट देना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग सीधा नहीं दे सकते, उसके लिए एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉट गेट का मतलब होता है किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के लिए किसमें है, आई थ्री एंड आई फोर में, ये हमारा आई थ्री और ये हो गया आई फोर, इसमें हमको देना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो एक नॉट गेट बनाता हूं जिसमें हम लोग दे रहे हैं ए, ठीक है। ए दिए, यहां हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आई थ्री और आई फोर को ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। और आई सेवन को देना है ए, ठीक है। तो इसके लिए अलग से भी ए ऐसा करके भी लिख सकते हैं, या तो सीधे यहां से ऐड कर दीजिए इसको, तो यहां से हमें ए मिल जाएगा, यहां से मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट और यहां से मिल गया ए, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।